दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक इम्प्रोवाइजेशन की एक्सरसाइज की। मैंने अपने स्टूडेंट्स को एक सिचुएशन दी थी कि भाई आप लॉकअप में बंद हो और अपने हिसाब से कुछ भी आप परफॉर्म कर सकते हो। तो उन्होंने फ्री होके जैसा उनको लगा, जैसा उन्होंने समझा, वैसा उन्होंने परफॉर्म किया। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम एक कुछ इमोशंस लेंगे, कुछ मूड लेंगे और उन मूड्स के हिसाब से, उन इमोशंस के हिसाब से फील करेंगे और सिचुएशन को इम्प्रोवाइज करेंगे। और आने वाले वीडियोस में भी हम जैसे मेन इमोशंस जो होते हैं इंसान के, हंसना, रोना, दुख, खुशी, डर, इस तरह के मेन इमोशंस लेके उनके अकॉर्डिंग हम इम्प्रोवाइज करेंगे। फिर उसके बाद कुछ इमोशंस को मिक्स करके एक इम्प्रोवाइजेशन की प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद उनको कंट्रोल, अपने हिसाब से कंट्रोल करके सीन क्रिएट करने की प्रैक्टिस करेंगे। अभी जैसे एक इमोशनल सिचुएशन हमने सोची है, एक सैड सिचुएशन हमने सोची, किसी इंसान का कोई नियर एंड डियर इस दुनिया से चला जाए, खत्म, तो उससे ज्यादा सैड और इमोशनल उसके लिए कुछ नहीं हो सकता। तो अभी मैंने अपने स्टूडेंट्स को ये एक सिचुएशन दी है कि सपोज आपको खबर मिलती है या आप बाहर से आते हो और आपको पता चलता है कि आपके किसी बहुत क्लोज की, चाहने वाले की डेथ हो गई, और इस सिचुएशन पे आपको एक सीन क्रिएट करना है, इम्प्रोवाइजेशन करना है और बिल्कुल नॉर्मल से लेके बिल्कुल मिनिमम से लेके और इमोशंस को एक मैक्सिमम लेवल तक लेके जाना है। तो इससे होगा क्या कि एज एन एक्टर हमें हमारी रेंज पता चलेगी कि किसी पर्टिकुलर इमोशन में हम कहाँ से कहाँ तक खेल सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक हमारा रेंज है, और इसी तरह से हम हर इमोशंस, हर मूड को, हर फीलिंग को हम ट्राई करेंगे। जैसे सैड हो गया, इमोशनल हो गया, डर हो गया, गुस्सा हो गया, खुशी हो गई, हंसी हो गई, इन सब को हम ऐसे ही ट्राई करेंगे। और इम्प्रोवाइजेशन के लिए कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं, जैसे इमेजिन करना, विजुलाइज करना, फील करना, ये कई चीजें एक साथ काम करती हैं। तो पहले हम देखते हैं अजय के साथ और राज के साथ कि वो किस तरह से इस सीन को इम्प्रोवाइज करते हैं, परफॉर्म करते हैं, और उसके बाद उनसे हम डिस्कस करेंगे कि उन्होंने क्या फील किया, क्या इमेजिन किया। फिर हम आगे बात करेंगे कि इमेजिनेशन का, विजुलाइजेशन का, फीलिंग्स का, और जो कमांड जो दी जाती है अपने आप को, अपने माइंड को, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। क्या हुआ? चाचा भाई को क्या हो? भाई थे चुप क्यों है? क्या हुआ इनको? अरे कुछ तो बोल, चुप चुप क्यों है? भाई थे चुप क्यों है? अरे कुछ तो बोलो, नाराज है? गुस्सा है क्या मेरे से? भाई क्या हो गया आपको? आप इतने चुप क्यों है? देखो छोटा भाई है, भाई बात करो मुझसे,
भाई बात करो ना मुझसे, इतने चुप क्यों हो आप? मैं जरा सा बाहर का चले गया, इतने नाराज हो गया मेरे से। अरे देखो तो सही, एक बार एक बार देखो तो सही, आपका छोटा भाई आया है, आपसे बात कर रहा है। भाई उठो ना प्लीज, उठो ना, मेरे से बात करो ना। हाँ बात नहीं करोगे तो कौन करेगा? भाई उठो ना, आपने कहा था ना तू पढ़ाई करके आएगा तो हम घूमेंगे फिरेंगे, मौज मस्ती करेगा, मेरे साथ कौन मौज मस्ती करेगा बताओ ना, बात तो करो मुझसे। माँ भाई को क्या हो गया, क्या हुआ, कैसे हुआ ये सब, कुछ तो बताओ। बाबूजी भी कुछ बात नहीं कर रहे, कुछ बता नहीं। मैं अपने भाई से बात कर रहा हूं, भाई बात करो ना, इतना तड़पा कर रहे हो, और बात नहीं करोगे तो कौन करेगा मेरे से, मेरे साथ मौज मस्ती कौन करेगा, मुझे पढ़ाएगा कौन? कुछ तो बोलो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मैं अपने भाई से बात कर रहा हूं, छोड़ो मुझे। आप लोग ऐसे क्यों खड़े हो, रो क्यों रहे हो इतना? अरे सब ठीक तो है कि नहीं? अरे यार मैं कुछ पूछ रहा हूं आप लोगों से। पिताजी आप तो बताओ क्या हुआ, आप सब इतना रो क्यों रहे हो? प्लीज पिताजी बताओ हुआ क्या है। अरे मैं कुछ आंखें खोलना, देख कौन रहा है, तेरा भाई है क्या भाई? अरे उठना, क्या हुआ तुझे, देख कौन रहा है, मुझे देख तो सही थी मैं भाई। अरे कोई कुछ बताता क्यों नहीं, क्या हुआ मेरे भाई को? भाई 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 प्लीज आगे खोलना, क्या हुआ तुझे भाई, एक बार मुझसे बात तो कर। अरे प्लीज एक बार मुझसे बात कर भाई, मुझे गलती हुई माफ कर, तुझे ऐसा क्यों कर रहा है तू मेरे साथ? तूने मुझसे वादा किया था तू मुझे छोड़ कभी नहीं आएगा। भाई प्लीज प्लीज भाई 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 प्लीज प्लीज बढ़िया एक बार आगे बोल दे भाई, भाई भाई प्लीज आप
पापा प्लीज आप कुछ बोलो, माँ भी नहीं बोल रही है कुछ। क्या हुआ मेरे भाई को? आप लोग बोल भी नहीं रहे कुछ। अभी सुबह मैं गया तो एकदम फर्स्ट क्लास था, मेरे साथ मस्ती किया एक ना। भाई प्लीज भाई भाई ऐसा क्यों कर रहा तू मेरे साथ? तो देखा आप लोगों ने कि मैंने इन लोगों को एक सिचुएशन दी, एक इमोशनल सिचुएशन दी कि भाई इनका कोई बहुत क्लोज नियर एंड डियर जो है वो इस दुनिया से चला गया है, उसका उसकी डेथ हो गई, बॉडी पड़ी है। अब उस सिचुएशन में आप लोगों को रिएक्ट करना है, आपको कैसे बिहेव करना है, उस सिचुएशन को आपको इम्प्रोवाइज करना है। तो इन दोनों ने अपने हिसाब से उस सिचुएशन में अपना फील किया और अपने हिसाब से दोनों ने उसको एक्ट किया। तुमने कैसे किया जी? सर जब मैं रूम के अंदर जब एंटर हुआ तो मैं अज्यूम कर लिया कि कुछ लोग खड़े हैं यहाँ पे, एकदम शॉक हो गया देख के। बाद में फिर मैंने नीचे देखा कि अज्यूम कर लिया कि नीचे बॉडी पड़ी है, और फिर जैसे स्टार्ट किया तो ऑटोमेटिक फील बनता गया, फील बनता गया, और जैसे जैसे फीलिंग आती गई वो सब निकलता गया बाहर, बाहर डायलॉग्स और थ्रू इमोशंस निकलते गए। मैंने कुछ एक्स्ट्रा टेक्निकलिटी ऐड नहीं की उसमें, हाँ थोड़ा फेस एक्सप्रेशन का यूज़ किया, बट जैसे अज्यूम कर लिया ना कि हाँ कोई डेड बॉडी पड़ी है, उसको अज्यूम करते करते परफॉर्मेंस हो गया। मतलब पहले तुमने वहाँ से सोच के आया कि नहीं घर में कुछ ऐसा कुछ हो रखा है कुछ? नहीं एक्सपेक्ट नहीं किया, कुछ हुआ है जिससे मैंने लोगों को जब देखा मैंने तो फिर लगा कि नहीं कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा तो जैसे ही तुमने एंटर किया तो तुमने देखा कि तुमने ये इमेजिन किया कि कुछ लोग खड़े हैं, हाँ, और तुम्हें कुछ ऐसा लगा कुछ अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसा हो गया, हाँ, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, वो टेंशन हो गई तुमको और फिर तुमने पूछना शुरू किया। फिर तुम्हारी नजर नीचे पड़ी, नीचे एक तुमने इमेजिन किया कि नीचे एक बॉडी पड़ी है, वो सब विजुअलाइज तुमने किया कि यहाँ ये सब ऐसे ऐसे है, और उसके हिसाब से फीलिंग्स जनरेट हुई तुम्हारी और वो सब तुमने इमोट किया। ठीक है, तुमने कैसे किया? सर जब आपने मुझे सिचुएशन दिया है डेड बॉडी को देखकर इमोशनल होना है, मैं तो पहले बहुत ज़्यादा डर गया था क्योंकि हमें कंट्रोल करना था अपने एक्सप्रेशन को, फीलिंग्स को, हर चीज़ को कंट्रोल करना था। फिर सोचा कि ये तो बहुत डिफिकल्ट होगा कैसे। फिर जब मैं एंटर किया और इमेजिन किया कुछ डेड बॉडी पड़ी है और लोगों को देखा, एक इमेजिनेशन किया लोग खड़े हैं हमारे सामने और बहुत ज़्यादा इमोशनल है, कुछ तो घर में हुआ है। जब मैं उस चीज़ को रियलाइज किया और फील किया तो चीज़ें अपने आप होती गई और मैं धीरे धीरे एकदम इन्वॉल्व हो गया उस चीज़, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा मुझे मालूम नहीं, बट उस चीज़ में इन्वॉल्व हो गया था। मैं कोई प्लान नहीं कर रहा था कि आगे मुझे क्या कौन सा स्टेप लेना है या क्या मूवमेंट देना है, ऐसा कुछ नहीं था, बट चीज़ें हो रही थी इसलिए मुझे थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन। तो मतलब कुल मिला के तुम दोनों लोगों को कहने का मतलब ये है कि इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है, इमेजिन करना, चीज़ों को विजुलाइज करना, उसमें इन्वॉल्व होना और फीलिंग्स क्रिएट करना, yes. ये तीन चार चीजें जो हैं एक साथ काम करती हैं। तो अभी आपने देखा कि दो लोगों ने इस सिचुएशन पे परफॉर्म किया और दोनों लोगों से हमने बात की, राज से, अजय से, तो एक चीज दोनों ने बोली, इमेजिन किया, विजुलाइज किया, फील किया, फिर वो इमोशंस डेवलप हुए, फिर चीजें ऑटोमेटिकली होती चली। तो एज एन एक्टर क्या है कि हमें उस सिचुएशन में इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है, मेंटली उस सिचुएशन में जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ कुछ भी रियल नहीं, ना यहाँ बॉडी है ना यहाँ लोग हैं, वो आपको इमेजिन करना पड़ेगा। आपने इमेजिन किया कि नहीं मैं अंदर घुसूंगा तो मुझे लोग दिखेंगे, फिर इमेजिनेशन के बाद जो नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन में क्या होता है कि आप चीजें एग्जैक्टली देखते हो अपने माइंड में, अपने विजन में। तो आपने इमेजिन किया कि अंदर घर में लोग होंगे, बॉडी होगी,
फिर आपने विजुलाइज किया तो विजुलाइजेशन में आपको एग्जैक्ट पोजीशन मिलेगी कि हाँ यहाँ बॉडी है, यहाँ ये लोग हैं, यहाँ माँ है, यहाँ बाप है, यहाँ ये लोग हैं, सब इस तरह से। और आपने अपने माइंड को, अपनी बॉडी को उसको उस सिचुएशन में ले गए अज्यूम करके, और वो फीलिंग्स आपने जनरेट की और आप मेंटली उस सिचुएशन में चले गए। जब आप मेंटली उस सिचुएशन में चले गए फिर वो फीलिंग्स क्रिएट होना चालू, फीलिंग्स क्रिएट होना चालू हो गई और चीजें फिर अपने आप होनी शुरू हो। तो एज एन एक्टर हमें अपने आप को मेंटली उस सिचुएशन में ले जाना होता है जिसके लिए आपका इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, इमोशंस, फीलिंग्स का जनरेट होना, इन्वॉल्वमेंट, ये सारी चीजें एक साथ काम करती हैं। और सबसे पहले हम अपने आप को कमांड देते हैं, कमांड देने के बाद हम इमेजिन करते हैं, फिर हम विजुलाइज करते हैं, फिर फीलिंग्स जनरेट होती हैं, फिर एक्सप्रेशंस आते हैं, इमोशंस डेवलप होते हैं और फिर हमें उनको प्रोजेक्ट करना होता है। तो आगे भी हम अलग अलग सिचुएशन परफॉर्म करके देखेंगे अलग अलग मूड की।